हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की बहुत ही टेस्टी सब्जी। आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे हम कुकर में बनाने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। रेसिपी देखने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो मैंने बहुत छोटा रखा है, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसे बनाने के लिए हमने लिया है कटहल, यह हाफ के जी कटहल है। कटहल को हमने काट लिया है, इसके छिलके हमने रिमूव कर दिए है। इसमें डालेंगे आलू, आपको आलूओं की जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही डालें। इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 मैंने डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और साथ ही में हम डालेंगे इसमें दही 2 से 3 चम्मच, और साथ में हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, ये हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच, क्योंकि इसे हम मैरिनेट करने वाले हैं। अब इसमें डालेंगे मीट मसाला, मीट मसाला हमने लिया है 2 छोटा चम्मच। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसे ढककर हमने एक साइड में रख दिया है। अब इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लिया प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, और तेल में हम डालेंगे प्याज, क्योंकि इन सभी को भूनकर हम इसकी प्यूरी बनाने वाले हैं। पहले हम प्याज को डालकर कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जो कि है 4 से 5 लौंग, 1/2 छोटा चम्मच शाहजीरा और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब साथ ही में हम डाल देंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। इसे हम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक भून लेंगे, उसके बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। कुकर में हमने डाला है 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हमने डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही में हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता, और इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीरा और तेज पत्ता अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम प्यूरी जो हमने बनाकर रेडी की है, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से भूनने के बाद तेल ना छोड़ने लगे। इसमें हम बाकी के मसाले भी ऐड कर देते हैं, हल्दी पाउडर, साथ ही में हम डाल देंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर हमने 1/2 छोटा चम्मच ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च डाली है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गैस की मीडियम फ्लेम पर। इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है। ये देख सकते हैं आप कि मसाला अच्छे से भून चुका है, मसाला साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ कटहल और आलू, और इसे भी हम गैस की फुल फ्लेम पर 5 मिनट तक भूनेंगे। इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुका है, कटहल भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से पानी डालें। ये मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर गैस की मीडियम फ्लेम पर 2 विसिल आने देंगे। 2 विसिल आने के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। ये देख सकते हैं आप, कटहल और आलू दोनों ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने तड़का पैन में डाला है 1 चम्मच बटर, उसके साथ डाला 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और तड़के को हम सब्जी में डाल देंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए इसे हम ढककर रख देंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है। आप इस तरीके से इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। इसे हमने सर्व कर दिया है, आप इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।